चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेहरू मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? यह बाकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं एम एस अडे ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो ये थे नाना साहब ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? यह त्रिपुरी मार्च 1939 में। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन की थी? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1939 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचार के किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एलवा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी? ये कथन किसने कहा था राष्ट्रवादी नेता ने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट में, मालाबार में। अगला क्वेश्चन है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों के की तरह भारत में अपनी सरकार गठन करना है? यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन है, 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो ये था कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कन्हारे।
अगला है कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये थे तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन है 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ये थे वारिंद्र कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये था यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते फिरोज साहब मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी किपलानी। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ विकास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाए गए? तो ये थे लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? एटली ने। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? 1911 में। अगला क्वेश्चन है हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड किस घटना की घटना कब घटी थी? 11 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो ये था यूरोज। अगला है महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। अगला क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता से पूर्व किन तीन प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नीली सेन गुप्त। अगला गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई? 1916 में। अगला क्वेश्चन है 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरंभ में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुई? 1907 में। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय पर किस किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को किस प्रकार का त्याग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे? विनोबा भावे। अगला है बारदोली में कर ना अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है
भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के हेतु। अगला है, किसने कहा था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। ये थे बिपिन चंद पाल। अगला है, अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को उपनिवेशिक स्वराज्य देना। अगला क्वेश्चन है, अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ये था पूना समझौता।